स्वागत है आपका पंजाब टू लद्दाख सीरीज में। एंड अभी मैं जम्मू में हूँ, जम्मू से। एक्चुअली रात में आपको दिखाया था, पिछले ब्लॉग में रुक गया था एक मोड़ पे, एक्चुअली लंगर था ना उसमें रुका था। सो अभी मॉर्निंग के लिए सडनली मेरा प्लान बना है वैष्णो देवी के लिए। सो वैष्णो देवी एक्चुअली ना मेरे दोस्त लोग कुछ बने थे, प्लस वो जो पीछे बैठे बाबा जी है ना, उन्हीं के साथ सब लोगों को प्लान बना, तो मैं चलूँगा वैष्णो देवी। देन अभी ना ऑलमोस्ट मैं भी 40 किलोमीटर होगा, और यहाँ से जो मेन टास्क होता है पहाड़ी इलाका पड़ता है ना, सो ये 40 किलोमीटर कम से कम मैं भी कल तक कवर होगा, क्योंकि आज तक पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पे साइकिल कहीं जमा होती है, फिर 16 किलोमीटर की राइड होती है जो पैदल ही निकलूँगा। फिर मैं भी कल, हाँ कल तक मैं भी जम्मू मतलब वैष्णो देवी माता जी के मंदिर पहुँचूँगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जो मेरे साथ बाबा जी है ना, इनका देखो मतलब पूरा भारत यात्रा चल रही है, और ये लोग ना मतलब पर्यावरण को मोटिवेट करके, आप लोग जो बाबा जी का मतलब मोटिव है पर्यावरण को सेव करना है, आप लोग गंदगी मत फैलाएं, सफाई रखें आप, और दूसरे को भी बताएं पेड़ वगैरह लगाने को मोटिवेट कीजिए। और आज बाबा से हम लोग मतलब बाबा जी है ना, 2 दिन से हम इनके साथ हैं, और मैं भी बाबा जी आज चले जाएंगे अमरनाथ यात्रा के लिए, और हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी यात्रा के लिए। मैं भी इन द फ्यूचर हम लोग कभी भी मिलेंगे, आज जरूरी मिलेंगे, भगवान मिलाएगा। और आपसे एक विशेष निवेदन है, हो सके तो ऐसे बंदों को थोड़ा सा सहयोग करें, और कुछ नहीं करके तो सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश को सुधारने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं ताकि हम साइकिल के प्रति अवेयर हो सकें और हम अपनी देश दुनिया को जान सकें। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप सब अच्छा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसा करके आप एक तरह से देश सेवा करेंगे। और गाइस ना, मेरा जो है यार कैमरा का जो पीछे वाला बैक लेंस होता है वो भी टूट गया है यार, मैं दिखा नहीं सकता, बट कोशिश करूंगा फोटो खींच के आपको दिखाऊं। भाई आज मेरा नुकसान हो गया, मगर वर्किंग है बट थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया, सो मिलते हैं आपको। भाई मेन चढ़ाई तो ये वाली अब है, जम्मू में सबसे टफेस्ट वाली मतलब हार्ड है भाई ये वाली, देखो कितनी ऊँचे आने लगी, दिख रहा होगा आपको। भाई ये क्रॉस करूँ, देखो अगर ऐसा होता ना जहाँ मैं ऐसे थकने लगता हूँ ऐसी टाइप की ऊंचाइयों पे, तो मैं पैदल चलने लगता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो पानी मुझे चाहिए था, ये कुछ पहाड़ी से होते हुए आता है, मैं पहली बार इस टाइप का पानी भर रहा हूँ भाई, कुछ अब ठंडा भी बहुत है। वाओ क्लीन एंड वाटर, देखो भाई यहाँ से पहाड़ वगैरह चालू हो गए। गाइस वो आपको दिख रहा है वहां से नीचे होते हुए मैं आया, वहां पे भी आपको एक व्यू दिखाया था, फिर उधर होते हुए ये देखो व्यू भी कितना गजब का भाई है, फिर इस पुल को क्रॉस किया भाई, व्यू देखो भाई यार। एक तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा ब्रोकन हो गया, फिर भी यार आप प्लीज़ भाई आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, प्लीज़ इतना दया करना भाई, कैमरा में पता नहीं कैसे ब्रोकन आ गया भाई, व्यू देखो। और मुझे अभी साइड जाना है भाई, मेरी हायाभूसा ये खड़ी हो गई, देखो ये मेरा खड़ा है, और अभी बस चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचनी थी, फ़ोटो खींच लूँ यहाँ से चलता हूँ, थोड़ा आराम कर रहा था, पानी वगैरह पी लूँ बस, फिर यहाँ से निकलता हूँ। बिल गाइस एक बात बताऊँ ना, आज ना वैसे केवल सेकंड डे थोड़ा बारिश हुआ तो प्रॉब्लम होती, बट इस वाले दिन ना चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। उत्तराखंड मैंने ट्रैवल किया था, वहाँ पे इतना मतलब नहीं था, बट यहाँ पे भाई बहुत ही मतलब चढ़ाई है, सही बात में चढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती, पैदल जाता हूँ भाई। आज बहुत ही टफेस्ट डे मेरा, हार्ड सबसे मतलब ट्रैवलिंग का सबसे हार्ड डे आज वाला है, आगे का मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट आज के हिसाब से मेरा आज बहुत ही हार्ड है भाई, सच में शरीर बॉडी पेन, फुल बॉडी पेन, बट इसलिए पता मैंने कैसे मैनेज कर लो मैं ही जानता हूँ भाई। सीरियसली आपको वीडियो में तो पता चल मतलब एक एक वीडियो दिखता होगा बहुत ईजी लगता होगा भाई, सीधे ईजी नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अभी तो मैं भी हमको कम से कम 25 डे और 20 डे ऐसे ट्रेवल करना है,
सो भाई अभी तो मेरा बहुत ही हार्ड एंड टफेस्ट डे है, मगर ये मुझे जरूर पता है प्रॉब्लम तो बहुत आने वाली है, बट ना जब मेरा ये कम्प्लीट होगा इतनी खुशी मिलेगी भाई आपको भी। अगर भाई आप मेरी प्लीज जर्नी देखे, अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि ना भाई इतना मदद हेल्प करूँ आप, अगर मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो आपका कोई पैसा तो खर्च नहीं होना है, बस आपका थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ही चाहिए होगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। सो भाई प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। और भाई व्यूज़ देखो मेरे कितना पीछे कितना गजब का है भाई, रियली अमेजिंग, रियली आई लव दैट। यहाँ पे अच्छा है ना, आर्मी आपको हर जगह मिले पे, देखो उस आर्मी है, वीडियो के हिसाब से दिखाऊंगा ना, हर जगह आर्मी यहाँ पे है, सो ये सेफ रहता है, थोड़ा ना खतरा रहता ना आतंकवादी वगैरह का इस एरिया में। सो या भाई जब हम टनल में बैठे हुए, टनल में छोटी सी टनल है, बाहर को रास्ते पे बनाया, मगर आवाज तो आ नहीं रही है, बट यार उस तरफ से एंट्री किया, मैं आगे दिखाऊंगा किस हिसाब की, छोटी सी टनल है बट अटल टनल ना 9 किलोमीटर है, मैं जब मनाली होते हुआ तब वो देखने को मिलेगा आपको। अभी टनल में बैठ के वीडियो दिखाया था वो, यार छोटी छोटी टनल बनी है यहाँ पे, दो तीन लग रहा है, एक निकल गया देखो, एक और टनल बनी हुई, कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी भाई, कैसे बनाते हैं इसको, बहुत हार्ड वर्किंग होता होगा बाहर के अंदर से बनाना। भाई भाई नीचे नहीं, मैं इसके ऊपर ऊपर जाऊंगा तो मुझे सेफ रहेगा भाई, यार बहुत लंबी है भाई, इसको क्रॉस कर लूं फिर मिलता हूं। भाई आपको बताया टनल में लाइट चली गई और अंधेरा इतना होगा कुछ दिख भी नहीं रहा, अबे यार बड़ा अजीब लग रहा है। हायाबुसा अपने यहाँ पे खड़ा कर दिया हायाबुसा, और मुझे भूख बहुत तेज लगी है ना, अब यहाँ पे कहीं लंगर वगैरह तो होगा, नहीं तो होटल है ये शर्मा वैष्णो ढाबा, तो यहाँ पे खाना वगैरह खा लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ देन। नाउ कटरा में एंटर हो चुके हैं यहाँ से, ये कटरा का बोर्ड है, वेलकम टू कटरा, नो मोर प्लास्टिक यूज। ओह माय गॉड बारिश भी होने लगी, कटरा में एंटर हो गया, बारिश होने लगी। सो गाइस ना अब मैं कटरा आ चुका हूँ, और कटरा ना एक्चुअली 50 किलोमीटर पड़ता है, अब आया हूँ यार अभी 6 बज गया, अभी यहाँ पे साइकिल भी जमा करा है, कुछ ऐसा दिखता है कटरा, बहुत ही सुंदर है, वेल बेस्ट है, देखो यहाँ पे से मिल जाता है ऐसे लाइक कपड़े भी, मुझे कपड़े लेना था वैसे यहाँ पे अच्छे अच्छे मिल जाएगा, और अभी साइकिल जमा करूँ कहीं स्टैंड होगा, सो उधर मैं आपसे मिलता हूँ, फिर सिटी भी दिखाता हूँ देखने का टाइम मिलेगा तो। गाइस ये जम्मू आई मीन वैष्णो देवी का एक ये चौक है, ये चौक पड़ता है एंड कुछ इस टाइप की यहाँ साफ है, ब्यूटीफुल इज दैट, एंड मैं भी अगर टाइम मिला तो कल घूमूंगा, अभी तो बहुत थक गया, टाइम भी हो गया ना, टाइम हो गया। से यात्रा शुरू होती है और पहले ना इसको एंट्री करने के लिए बनवाना होता है रजिस्ट्रेशन, और वो आपको आधार कार्ड वगैरह देखेंगे तो देन आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड बन जाएगा फ्री का, कॉस्ट नो मनी, पैसा नहीं लगता कोई भी, और मेरे दोस्त लोग बनवाने गए हैं एंड मैं भी बनवा लूँ फिर आपको भी दिखाऊंगा, है ना होगा रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ इस टाइप की दिखती है पर्ची, पर्ची से ही आपको एंट्री हो गई, नहीं तो उसके बिना एंट्री नहीं हो, सो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, पर्ची बनाने होगा और आधार कार्ड वगैरह दिखते नहीं बट लेते जाओ सब बेस्ट है। गाइस साइकिल अपने यहाँ पे जमा कर दिया है, पर्ची भी कटवा लिया है, 50 रुपये पर पर्सन होता है, और ये कुछ होटल है, होटल कहाँ से विश्वनाथ। सो गाइस यहाँ तक आ चुके हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, और आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड एडवांस।